अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है, और ये भी उसी तरह ही है जिस तरह आपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए हैं। पहले आपने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, अब वो चेंज किस तरह करना वो देखें। लेट करना है जी, अब ये लेट करने का मैथड देखने स्टूडेंट, लेट में ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स ओवर एक्स माइनस 3, इसे आप लेट कर दो वाई। ये फर्स्ट टर्म को क्या लेट कर दो? वाई। अब इस टर्म को लेट कर दें एस माइनस 3 एक्स, इसे लेट कर दो 1/y। अब ये देख लेना 1/y किस तरह आया है। अब इधर था एक्स ओवर एक्स माइनस 3, इसके इक्वल था वाई। अब ये दोनों रेसिप्रोकल में है, ये अमाउंट ऊपर चलेंगे ये नीचे आएगी। अब देखने इधर एक कंडीशन का नहीं है, तो फिर इधर भी देखिए जिसके अंदर कुछ 1 हो तो 1/y उल्ट हो जाना 1/y। इस तरह आपने इसे लेट करना है। तो सिंपल वर्ड्स में ये सब मैंने पहली अमाउंट वाई लेट करनी है, सेकेंड 1/y। वो तरीके बता दें 1/y किस तरह आया जी। अब स्टूडेंट आपने वैल्यू पुट कर दी है, वैल्यू पुट करने के लिए स्टूडेंट आपने दोबारा ये क्वेश्चन राइट करें एक्स ओवर एक्स माइनस 3 प्लस 4 एक्स माइनस 3 डिवाइड एक्स 4। अब स्टूडेंट एक्स ओवर एक्स माइनस 3 किसके इक्वल है? वाई के प्लस 4। एक्स माइनस 3 डिवाइड एक्स किसके इक्वल है? 1/y इज इक्वल टू 4। इस तरह स्टूडेंट वाई 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4/y इज इक्वल टू 4 है। अब स्टूडेंट आपने ये इधर लिखा y को आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। वो लिखने आप मैं y से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, y मल्टीप्लाई y, इधर प्लस का साइन है तो प्लस लिखें, फिर आपने लिखना y मल्टीप्लाई 4/y इस तरह इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई वाई। इस तरह वाई के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्केयर, वाई वाई से कैंसिल 4, 4 को वाई से 4y वाई स्केयर। अब स्विंग प्लस से इधर आकर माइनस 4y प्लस 4, आपको पता ही है क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करनी। अब फिर इधर फिर कोई दोबारा बार या फार्मूला अप्लाई कर दो या पेड़ बना लो, तो हम इधर पेड़ बनाते हैं। देखें मल्टीप्लाई करने से 4 प्लस माइनस करने से 4, तो 2 × 4, तो ये आपके दो डिजिट हैं 2y एंड 2y। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए 4y, और जिसे माइनस प्लस किया जाए जिन्हें 4y। आप देखेंगे यहाँ पर 4, अभी तो माइनस आ रहा है, माइनस है तो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस करना, प्लस से साइन कौन सा लगाना? माइनस 4y। यहाँ से स्टूडेंट वाई कॉमन तो वाई माइनस 2, यहाँ से स्टूडेंट 2 कॉमन तो माइनस प्लस माइनस 2 × 4 आ जाए इज इक्वल टू 0। अब इस तरह स्टूडेंट आपने y माइनस 2 और ये कॉमन लेने y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप सुन ये 0 दोनों के साथ है, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस है इधर आपका प्लस, ये माइनस है फिर इधर आपका प्लस। तो सोल्यूशन सेट में से दोनों को एक दफा ही लिखना है, नंबर सेट में नंबर एक दफा ही लिखा जाता है जब जो सेम आंसर आ जाए। तो यार सॉरी ये आंसर नहीं आया। अब ये y आपके दो आंसर y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर मैं तो अभी मैं रेस्ट कर देता हूँ। अब ये एक दफे आंसर आना है आपका, अब इधर y लिखा है तो आपने से एक दफे y को दोबारा से इधर लिखें y इज इक्वल टू, हाँ इधर कोई और आंसर हो तो फिर आपने से दो दफा लिखें। अब y किसके इक्वल हो, अभी आपने लेट किया एस माइनस 3, एक मिनट लेट दिया एक्स ओवर एक्स माइनस 3 एस वाई कंडीशन लिखें एक्स पुट लिखें एक्स ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट वाई की वैल्यू लिख लीजिए जो मशीन में स्टार्ट में लेट किया एक्स ओवर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब ये डिवाइड होकर जाकर मल्टीप्लाई 2 एस माइनस 3। अब स्टूडेंट आपने 2 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 3 से 6 आ जाए। अब स्टूडेंट ये प्लस 2x से इधर आकर माइनस 2x हो जाने, तो माइनस टू एक्स वन एक्स निकाल माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6। अब माइनस माइनस से कैंसिल एस इज इक्वल टू 6। अब ये स्टूडेंट आपका है सॉल्यूशन सेट, इसे आपने क्या कहना है ये सॉल्यूशन सेट है, ये आंसर ये क्वेश्चन आपने स्टूडेंट इस तरह कर देंगे। अब स्टूडेंट आपने इस पर 8 वाला क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 1.3 का 8 वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखें ये भी उसी तरह जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराया,
अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर को 4x प्लस 1, 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1, 4x प्लस 1। अब ये होल में अमाउंट है तो आप इसे देखें फ्रैक्शन में चेंज करने 6 to 12 1 13 over 6 है। अब स्टूडेंट ये भी इसी तरह फर्स्ट अमाउंट लेट करनी है वाई लेट करें 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। इस तरह स्टूडेंट सेकंड टर्म ये वाली ये लेट कर दी है 1 ओवर वाई 4x माइनस 1 और 4x प्लस 1 या आया 1 ओवर वाई देखने। अब सेकंड में माइनस वाली अमाउंट ऊपर है और प्लस वाली नीचे है वो रेसिप्रोक इक्वल टू होता है तो अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज इस तरह इधर भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज करने 1 ओवर वाई। अब स्टूडेंट आपने वैल्यू पुट कर दी है अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने चले मैं ऑब्जेक्ट वैल्यू पुट करवा रहा हूँ 4x प्लस 1 4x माइनस 1 किसके इक्वल है y के आप इधर लिखे y मैं पुट लिख देता हूँ साहब इसके बाद प्लस कैसे आएंगे 4x माइनस 1 4x प्लस 1 किसके इक्वल है 1 ओवर y इज इक्वल टू 13 ओवर 6 है। अब स्टूडेंट आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा देखने पहले ये वैल्यू थी ये इक्वल है y तो मैं उधर लिखा y फिर प्लस का प्लस का साइन फिर 4x माइनस 1 डिवाइड 4x प्लस 1 ये किसके इक्वल है 1 ओवर y के ये देखो ऊपर 1 ओवर इधर 1 ओवर y लिखा इज इक्वल 13 ओवर 6 अब इधर लिखा y और 6 तो लिखना मल्टीप्लाई बाय 6 और 6y होना बोथ साइड अब 6y मल्टीप्लाई y फिर प्लस का साइन 6y मल्टीप्लाई 1 ओवर y इज इक्वल और 6y मल्टीप्लाई 13 ओवर 6 इस तरह से आपने 6y को मल्टीप्लाई करना है। आप 6y को y से 6y स्क्वायर y को y से 6 1 6 ये 6 से क्रॉस y को 13 से 13y आप स्टूडेंट 6y स्क्वायर आगे प्लस से इधर आकर माइनस 13y और प्लस 6 आ जाएंगे इज इक्वल टू 0 उधर क्या बचा 0। आप स्टूडेंट फिर दोबारा से जब पेयर बना दो या फार्मूला अप्लाई कर दो अब यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई करने से 36 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से प्लस माइनस करने से 13 आना चाहिए माइनस का तो 36 का आप एलसीएम लें तो 3 1 3 3 2 6 तो 36 आ रहा है 3 12 से मल्टीप्लाई कर 36 आ रहा है 13 नहीं आ रहा अब दोबारा से 3 4 12 3 3 9 9 और 4 ये दो डिजिट है 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ रहा है और 9 में 4 प्लस का तो 13 आ रहा है। आप ये दो डिजिट ये स्टूडेंट आपने राइट कर दिया अब आपने लिखना है 6y² 4y 9y + 6 = 0 फिर दोबारा वही फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो इधर कौन सा साइन माइनस का इधर भी माइनस अब यहाँ से स्टूडेंट आपने 2y का मन का लेंगे तो 2 3 6 डिवाइड करना है वाई वाई से डिवाइड किया 1y बच्चा 2 2 4 वाई वाई से कट हो जाएंगे अच्छा यहाँ से 3 का मन कर रहे तो 3 3 9y - +-3 2 6 इज इक्वल टू 0 है। अब फ्रेंड आपने आप लिख रहे 2y - 3 2y - 3 अब 3 - 2 ये कॉमन है तो इसे एक दफा लिखने इज इक्वल टू 0 अब ये 0 दोनों के सारा ऐड कर दें इधर दोनों के सारा आप राइट कर दें इसी तरह स्टूडेंट ये माइनस है तो इधर आकर प्लस ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इस तरह ये स्टूडेंट ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाए अब ये मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ये स्टूडेंट अब आपके वाइट के दो आंसर आए। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है अब आपने दोबारा से वैल्यू पुट कर दी आप इसकी वैल्यू पुट करें y लिखें जी y इज इक्वल टू 3/2 दो दफ़े y का आंसर फिर y इज इक्वल टू 2/3 अब स्टूडेंट आपने दोबारा से y का आंसर था हमारे पास 4x y का पुट करें आंसर 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 स्टार्टिंग में लेफ्ट टू राइट था y इधर भी y के नीचे वही लिखना 4x प्लस 1 और 4x माइनस 1 और 2/3 इधर 2/3 है ना अब इन दोनों को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी क्या करनी थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर भी एक दोबारा देख लेते हैं जी 4x प्लस 1 का अब स्टूडेंट आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी 2 को मल्टीप्लाई करना है 4x प्लस 1 से इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना 4x माइनस 1 अब 2 4 8x और 2 1 2 3 को 4 से 12x
तो 3 × 3 आएगा स्टूडेंट। इस तरह स्टूडेंट आपने एक्स वाई टर्म इधर कर देनी है, ये प्लस 8 इधर आकर माइनस 8 एक्स हो जाने, ये माइनस ये प्लस में इधर आकर माइनस 12 में 8 का माइनस 4 एक्स, अब स्टूडेंट करना प्लस साइन माइनस का, अब ये मल्टीप्लाई 4 हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाए, तो इसमें ये माइनस माइनस कट एस इज इक्वल टू 5/4 ये आपका एक आंसर आया। इस तरह इधर भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ये इसके साथ और इसके से, आप लिखना 3 × 4x + 1 और 2 × 4x − 1 इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इससे 2 को इससे, अब 3 × 4 = 12x और 3 × 1 = 3, 2 × 4 = 8x और 2 × 1 = 2। अब फ्रेंड आपने ये प्लस 8x तो इधर आकर माइनस 8x हो जाने, अब ये प्लस 2 तो प्लस 3 इधर आकर माइनस 3, 12 × 8 का नहीं 4x करना प्लस साइन है माइनस का, अब ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड माइनस 4/5/4 आया, लास्ट में हम सॉल्यूशन साइन लिखने कि हमारा आंसर आया 5/4 − −5/4। इस तरह आपने ये स्टूडेंट क्वेश्चन कर दिया। अब स्टूडेंट आपने इसका क्वेश्चन नंबर 9 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह जिस तरह लास्ट में 2 क्वेश्चन करवाया मैंने, आपने पहले से रेड इस वाले नोट को रेड करना वाई रेड करें एक्स माइनस ए एस प्लस ए इज इक्वल टू वाई, इस तरह से इस अमाउंट को 1/y रेड कर दें 1/y ये आपने रेड किया। अब स्टूडेंट आपने वैल्यू पुट कर दी है, अब फिर मैं दोबारा रेड की वैल्यू पुट करवा रहा हूँ, एस माइनस ए डिवाइड एस प्लस ए की प्लेस में क्या आना वाई, आप क्वेश्चन राइट करना इधर माइनस का साइन एस प्लस ए डिवाइड एस माइनस ए साथ इधर लिख देता हूँ पुट, ये किसके इक्वल है 1/y इज इक्वल टू 7/12। अब स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना वाई बाई 12 का मल्टीप्लाई 12y ऑन बोथ साइड, डिनोमिनेटर वाई बाई 12 तो 12y दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 12y × 1/12 × 7/12 इस तरह दोनों तरफ आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो 12y² + 7y, 12 से कैंसिल 7y। अब स्टूडेंट आपने 12y² ये प्लस 7y इधर आपने 7y ये −12 इज इक्वल टू 0 अरेंज कर दिया। अब स्टूडेंट ये देखने मल्टीप्लाई आपके सामने किया, अब आपने अमरजी आपके पेयर बना लो या फार्मूला यूज़ कर दो, अब यहाँ पर फार्मूला यूज के पेयर बना लेते हैं, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144, मल्टीप्लाई करने से 144 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए। अब 144 किस तरह आना वो देखते हैं हम, उसके लिए 2 × 7 = 14 और 2 नहीं आ रहा, 7 नहीं आना, अब फिर 2 × 3 = 6 नहीं आ रहा, 2 × 1 = 9 और सॉरी 2 × 1 = 8 2 × 4 = 4 × 8 2 × 1 = 8 अब ये भी नहीं आ रहा, फिर 2 × 9 2 × 4 = 4 × 8 = 16 अब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ रहा है, 16 में 9 माइनस करें तो 7 आते हैं, ये दो डिजिट है 16 और 9 16 और 9। अब आपने इससे आपने मल्टीप्लाई करना है, दो डिजिट है 16 और 9, अब लिखना 12y² 16y − 9y − 12 इज इक्वल टू 0, ये पेयर बनानी है आपने, अभी तो माइनस का साइन बड़ी अमाउंट के साथ माइनस और इधर प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ से आपने 4y कॉमन निकाल लेना है, क्या कॉमन निकाल लेना है 4y, 4 × 3 = 12 एंड 4 × 4 = 16 और 4 से डिवाइड किया तो 1 आ जाना, यहाँ से 3 कॉमन 3 × 3 = 9y और 3 × 4 = 12 0, 9 को 3 से डिवाइड करना तो 3 आ जाना, अब 4y + 3 और 3y कॉमन ये एक दफ़ा लिखने इज इक्वल टू 0, अब ये दोनों के साथ है दोनों के साथ ऐड कर दें इस तरह 3y − 4 इज इक्वल टू 0, अब चूँकि ये प्लस से इधर आपका माइनस तो ये माइनस ये 4 मल्टीप्लाई और इधर आपका डिवाइड ये माइनस है इधर प्लस ये 3 मल्टीप्लाई और इधर आपका डिवाइड और लास्ट में स्टूडेंट आपने वैल्यू पुट कर दी है, वैल्यू पुट करें वाई इसे दो दफ़ा लिख लें इधर वाई इज इक्वल टू −3/4 वाई इज इक्वल टू 4/3 अच्छा वाई है तो ये अभी वाई वाई हमारे पास इक्वल वाई की प्लेस में लिखे एक्स माइनस ए एस प्लस ए इज इक्वल टू −3/4 इधर भी वाई की प्लेस में एक्स माइनस ए एस प्लस ए इज इक्वल टू 4/3 अच्छा ये मैंने अरेंज कर दो साइड, अब आपने वाई का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह
इस पेज से। अब देखें 4 की टॉपिक इससे मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस ए और माइनस ए को मल्टीप्लाई करना है एस प्लस ए से, एस प्लस ए। इस तरह स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई किया, इधर भी आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है एस माइनस ए से इज इक्वल और 4 को मल्टीप्लाई करना है एस प्लस ए से, एस प्लस ए। इस तरह आप इसमें मल्टीप्लाई किया गया तो रास मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 को एक्स से 4x, 4 को ए से 4a आया, 3 को एक्स से माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस 3 को ए से 3a। अब फ्रेंड आपने एक्स वाई टर्म एक तरफ कर देनी है, 4x है ये माइनस है तो इधर आकर प्लस 3x, ए वाली एक तरफ माइनस 3a ये माइनस है तो इधर आकर प्लस 4a, 4 और 3 7x। अब 4a में 3a निकालो तो 1a आता है, माइनस किया, अब ये x 7 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, ये स्टूडेंट हमारा एक आंसर है a ओवर 7। अब इस तरह 3 को x से 3x, 3 को a से 3a आया, इस पर क्या आ जाना 3a। इस तरह स्टूडेंट 4 को x से 4x और 4 को a से 4a। अब इस तरह इधर भी x वाई टर्म करनी है, ये प्लस 4x इधर आकर माइनस 4x 4a और स्टूडेंट ये माइनस 3a इधर आकर प्लस 3a, 4x में 3x निकालो माइनस x, 4a 3a 7 ही है। अब स्टूडेंट ये माइनस है तो इसे पॉजिटिव करना है, ऐसे ये माइनस है इस तरफ आपको प्लस, ये प्लस है इधर आपको माइनस है, ये आपके दो आंसर आए। लास्ट में स्टूडेंट आपने सॉल्यूशन सेट लिखने, सॉल्यूशन सेट में लिखें जी a ओवर 7 और माइनस 7 a, ये स्टूडेंट आपके ये आंसर आया। तो ये तीनों सवाल मैंने करवा दिए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करूँगा।